इन दरिंदों की फांसी की तारीख दूसरी बार टलने पर रोने लगी निर्भया की माँ। बेटी निर्भया के दरिंदों की लगातार दूसरी बार फांसी टलने से माँ आशा देवी का गुस्सा फूट पड़ा। फैसले के बाद पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर उन्होंने पूछा कि क्या उनकी बेटी से हुई दरिंदगी और हत्या के बाद उपजे आक्रोश को शांत करने के लिए मौत की सजा दी गई थी। बेटी के दोषियों को फांसी पर लटकते देखने की चाह के साथ कोर्ट आई निर्भया की मां कोर्ट के फैसले के बाद रो पड़ी। उन्होंने कहा कि दोषियों के वकील एपी सिंह ने मुझे चुनौती दी थी कि फांसी अनंत काल तक टलेगी। 7 साल पहले उनकी बेटी के साथ अपराध हुआ था और सरकार बार बार दोषियों के सामने उन्हें झुका रही है। उन्होंने कहा कि वह सरकार से, कोर्ट से, न्याय व्यवस्था से यही कहना चाहती हैं कि इस कानून व्यवस्था की खामी के चलते दोषियों का वकील चुनौती दे रहा है कि अनंत काल तक फांसी नहीं होगी। दोषी जो चाहते थे वो हो गया और फांसी टल गई। उन्होंने कहा कि वह हार नहीं मानेंगी और लड़ती रहेंगी। सरकार को दोषियों को फांसी देनी ही होगी, नहीं तो पूरे समाज, सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालत को यह स्वीकार करना होगा कि फांसी की सजा सिर्फ गुमराह करने और लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए दी गई थी। और उन्होंने ये भी बोला कि इससे अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे। अगर ऐसा ही होना है तो कानून की किताबों को आग लगा देनी चाहिए। काफ़ी ये बुरा हुआ कि लगातार फांसी की तारीख टलती ही जा रही है। दोस्तों आप इस पर क्या सोचते हैं, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तकलीफ नहीं कि पोस्टपोन हो गए, मुझे ये तकलीफ है कि उन चारों के वकील एपी सिंह ने मुझे चैलेंज करके कोर्ट में गया है कि ये फांसी अनंत तक काल तक नहीं होगी। तो ये कोर्ट सुन ले, दिल्ली सरकार सुन ले, केंद्र सरकार सुन ले कि उसने कह के गया है कि ये फांसी अनंत काल के लिए टल गई। तो कहीं ना कहीं सरकार हमें 7 साल पहले हमारे बच्चे के साथ क्राइम हुआ था, बार बार हमारे को उन मुजरिमों को सरकार झुका रही है। और दोस्तों साथ ही इसके साथ एक और अपडेट आई है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निर्भया केस में मौत की सजा पाने वाले चारों ही दोषियों की दया याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि दोषी विनय शर्मा की दया याचिका को भी राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया है। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी। अन्य आरोपी मुकेश सिंह की दया याचिका भी पिछले महीने खारिज कर दी गई थी। ऐसी स्थिति में पटियाला हाउस कोर्ट जल्द ही नया डेथ वारंट जारी करेगा। तो दोस्तों यह थी निर्भया केस की नई अपडेट। आप दोस्तों प्लीज जरूर कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही नई ताज़ा खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे MTD न्यूज़ चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन ताकि दोस्तों आपको हमारे आने वाली नई वीडियो की जानकारी मिल जाए।